हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम दोहा छंद का परिभाषा, उदाहरण और लक्षण, इसके साथ साथ मात्रा को लगाना भी सीखेंगे इस वीडियो में। और ये भी जो दोहा छंद की बात करने वाले, वो भी बिल्कुल ट्रिक से बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो दोहा छंद आप कभी जीवन में भूल नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि वो ट्रिक इस तरह का है कि आपको कभी कन्फ्यूजन होने ही नहीं देगा दोहा छंद में। ठीक है, ट्रिक को जानने से पहले हम इसके जो ये आपका परिभाषा है इसको जानेंगे। ठीक है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब इसके ट्रिक की ओर चलते हैं। तो देखो, इसका जो ट्रिक है वो है दो तेग। अब देखो, दो तेग का मतलब क्या हुआ, इसी से पूरी ये परिभाषा बनी हुई है। दो का मतलब है दोहा छंद और तेग का मतलब है कि पहले और तीसरे चरण में ये 13-13 मात्रा है और दूसरे चौथे में 11-11। यानी इसमें समझ सकते हो आप कि जो पहले लिखाएगा वो 13-13 मात्रा लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा, 11-11 मात्रा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि पहले में तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है, तो इसीलिए ये 13 आया है, तथा दूसरे चौथे में 11-11 मात्रा। कभी कभी यार क्या करते हैं स्टूडेंट की दोहा और सोठा में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और इसका एक सिंपल उदाहरण और है। दो का मतलब दो प्लस यहाँ पे 11 है। ठीक है, इसको 11 को जोड़ोगे तो बीच वाला आपका 13 आ जाएगा, तो आपको सबसे पहले 13 लिखना है। अब देखो, इसके उदाहरण की बात कर देते हैं। तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है को सुन। अब देखो, इसमें मात्रा लगाना कैसे लगाया जाता है, इसमें मात्रा ये चीज़ें आप जान दो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने बताया कि जो निज है, ठीक है, यहाँ पे दीर्घ और गुरु, गुरु यानी दीर्घ माने भी बड़ा और गुरु माने भी बड़ा होता है। तो जो बड़ा ई की मात्रा होती है उसके लिए इस यश नुमा का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है दो। ठीक है, इस यश का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब दो होता है। ठीक है, इसमें ई की बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, औ का मात्रा, आय का मात्रा, ए का मात्रा, आ का मात्रा, ओ का मात्रा आता है। और जो लघु छोटा होता है इसमें छोटी ई, छोटी ऊ, छोटा ऊ और अ आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पाई का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है वन। देखो ये क्या है, ये छोटी की मात्रा है तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, एक, और ये का मात्रा है तो इसके लिए एक, आ का मात्रा इसके लिए दो, आ का मात्रा इसके लिए दो, ये खाली एक, अ का मात्रा है तो इसमें एक, और ये आधा न और पूरा न इसके लिए दो, और ये छोटी ई की मात्रा इसके लिए दो का प्रयोग, सॉरी इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी ई का मात्रा जो इधर की है इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, एक। फिर इसके बाद अ है तो इसके लिए एक, और ए का मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हो तो इसके लिए क्या करेंगे, दो का प्रयोग, और स, ये अ का मात्रा इसमें भी ऊ एक, और ये आधा न और पूरा न इसके लिए दो। छोटी ई की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हो तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, वन प्रयोग करेंगे। ओ की मात्रा के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो यस वाला प्रयोग करेंगे, दो। ये बड़ा ऊ की मात्रा है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके लिए दो का प्रयोग कर देंगे और इसके लिए एक का प्रयोग कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये छोटी ई है, यहाँ पे आप देख सकते हो इधर की जो है ये क्या है, छोटी ई है, ये वाली चीज़ें, तो इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए ये आ की मात्रा इसके लिए दो, इसके लिए दो, ये आ की मात्रा इसके लिए दो, इसके लिए एक, इसके लिए दो, ए का मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा तो इसके लिए एक, आय की मात्रा इसके लिए दो, यहाँ पे इसके लिए एक, ये छोटी ई की मात्रा इसके लिए एक, एक, ये ओ की मात्रा इसके लिए क्या प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ओ की मात्रा। ठीक है, ये ओ की मात्रा के लिए क्या प्रयोग करेंगे, दो, ये बड़ा ओ का मात्रा इसके लिए दो, इसके लिए एक। अब देखो गिनते हैं, अब इसमें देख सकते हो आप कि पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती, पहला ये चरण है और तीसरा ये चरण है। ठीक है, 13-13 मात्राएं हमें गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो इसमें क्या है, 13 मात्राएं हैं आप देख सकते हो, और इसमें गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे इसको गिन लेते हैं, इसमें कितना होना चाहिए, 11-11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और इस तीसरे में गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा है तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा है, इसमें 11 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इसमें 11 मात्राएं हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।